प्रोनेसेंस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ टॉप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 24 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आउट ऑफ दिस 24 फंड्स सिर्फ 3 फंड्स ऐसे हैं जो कि लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। और आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि स्मॉल कैप के ज़्यादातर टॉप फंड जिनका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है वो अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप फंड्स होते क्या हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो स्मॉल कैप के फंड्स वैसे फंड होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो 35% है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप के स्टॉक्स क्या होते हैं? तो वैसे स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप वाइज टॉप 250 कंपनीज के बाद आते हैं उन्हें हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। नाउ आपको पता है कि स्मॉल कैप के फंड्स ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करते हैं, तो स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं लेकिन रिलेटिवली रिस्क भी अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्मॉल कैप के फंड्स को बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। तो वैसे इन्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो और साथ ही इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो, उसी तरह के इन्वेस्टर को स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नाउ हम स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बेसिस पे कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन टॉप फंड्स का जो रीसेंट रिटर्न आया है, खासकर लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, वो इतना ज़्यादा क्यों है। यहाँ पर आप स्मॉल कैप फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखिए, इसकी बात मैं बोल रहा था, सभी कुछ रेड आपको दिखेगा ना, रेड मींस बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ऊपर से देखिए, सिर्फ 3 फंड्स आपको मिलेंगे जिसे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जो कि अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, बाकी सारे फंड्स और इसमें से आपको कुछ टॉप क्लास के फंड्स भी मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि अरे ज़्यादातर फंड्स ही बेकार हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्या करें। देखिए यहाँ पे मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई ना 1, 2, 3, 4 फंड अगर अंडर परफॉर्म करता है, बाकी सारे फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तब तो कंसर्न होता है कि सिर्फ ये 1, 2, 3 ही फंड क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे फंड ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के कारण। तो वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये जो 1, 2, 3 फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं, और साथ ही एक टॉप फंड का भी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस इस टॉप फंड का क्यों आ रहा है। यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा आया है, उसके बाद क्वांट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, रिटर्न बहुत अच्छा आया है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और उसके बाद रहा है महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप। लेकिन महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप तो नया फंड है, अभी 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है। और अगर आप अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को देखें तो ऑफकोर्स ज़्यादातर फंड्स ही बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है, तो वो है PGM इंडिया स्मॉल कैप, सिर्फ 35.51% का रिटर्न आया है लास्ट 1 ईयर में, बाकी फंड से बहुत कम रिटर्न है। और सेकंड सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस किसका है, SBI स्मॉल कैप फंड, बहुत कम रिटर्न आया है। तो यहाँ पे अगर आप टॉप फंड्स का देखें ना, लाइक एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखिए डाउन हो चुका है, केनरा स्मॉल कैप, एडिलवाइज का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, HDFC का परफॉर्मेंस देखिए, ICICI का, कोटक स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, निपॉन जो कि बहुत अच्छा कर रहा था यहाँ भी परफॉर्मेंस पहले से डाउन हुआ है, SBI तो ऑफकोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि देखिए ये जो भी नाम मैंने लिया टॉप क्लास के फंड्स हैं, ऑफकोर्स अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन ये मोस्टली इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के कारण आ रहा है। कुछ समय के बाद जब ना मार्केट साइकिल चेंज करेगा, जो स्टॉक्स हैं हाई पी के स्टॉक्स जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, जब वो वापस आएंगे उनका परफॉर्मेंस वापस आएगा, तो मोस्टली इनमें से ज़्यादातर फंड्स का ही परफॉर्मेंस वापस आएगा। यहाँ पे मैंने 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है करंट परफॉर्मेंस वाइज, इसमें से देखिए बंधन और क्वांट तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है,
और SBI का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये बंधन स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड ने ऐसा क्या किया है कि इनका रिटर्न इतना ज़्यादा आ रहा है, और SBI स्मॉल कैप ने क्या किया है कि इसका रिटर्न इतना कम आ रहा है। यहाँ पर आप इन फंड्स के कुछ बेसिक डिटेल चेक कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, AUM बंधन तो अभी भी छोटा AUM है, जबकि क्वांट का AUM भी बड़ा हो गया है, और SBI का तो ऑफकोर्स बड़ा है। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए इंटरेस्टिंग है, SBI का रिलेटिवली बहुत कम है नंबर ऑफ स्टॉक्स, बंधन का बहुत ज़्यादा है। इक्विटी एलोकेशन देखिए, तो क्वांट और SBI ने तो अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन बंधन ने अभी भी डेट और कैश में अच्छा खासा एलोकेशन रखा हुआ है। PE देखिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये देखिए इन दोनों का PE देखिए आप, इन दोनों का रिटर्न बहुत ज़्यादा है और PE कितना कम है। स्मॉल कैप का इंडेक्स का निफ्टी 250 का अगर आप ट्रेलिंग PE देखेंगे ना, तो उसका PE अबाउट 28 के आसपास है, और यहाँ पे देखिए बंधन का पोर्टफोलियो PE सिर्फ 18 के आसपास और क्वांट का सिर्फ 24 के आसपास, जबकि SBI का PE आप देखिए 30 से भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि बंधन और क्वांट दोनों में ही वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जबकि SBI में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी कम है और ग्रोथ स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। रिसेंट टाइम्स में मार्केट कंडीशंस कैसे रहे हैं, तो वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है और ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे इन फंड्स का पोर्टफोलियो PE चेक करके क्लियरली ये पता लग रहा है कि कुछ फंड्स ने इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट किया और कुछ फंड्स क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए एनुअल टर्नओवर भी इंटरेस्टिंग है, इन दोनों का एनुअल टर्नओवर देखिए बहुत ज़्यादा है, मतलब कि स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत कर रहे हैं, तो बेसिस मार्केट कंडीशन ये पोर्टफोलियो को चेंज कर रहे हैं। जबकि SBI स्मॉल कैप देखिए कितना कम है, तो ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट किया और उन स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बने हुए हैं, बेसिस मार्केट कंडीशन ये पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए बंधन का और क्वांट आपको बहुत सिमिलैरिटी मिलेगा ना सेक्टर एलोकेशन में, फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा है, दोनों में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एनर्जी का भी अच्छा खासा है, क्वांट में मोस्टली रिलायंस के कारण एनर्जी इनका इतना ज़्यादा होता है। हेल्थ केयर देखिए दोनों में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, दोनों ने लिया है। मेटल में भी देखिए दोनों ने लिया है, ये देखिए मेटल एंड माइनिंग और हेल्थ केयर, तो काफ़ी हद तक इन दोनों का जो सेक्टर एलोकेशन है एक जैसा लग रहा है, ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ है। जबकि SBI का देखिए सेक्टर एलोकेशन बहुत अलग है, सर्विसेज देखिए सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में बहुत बड़ा एलोकेशन है, फाइनेंशियल में रिलेटिवली एलोकेशन कम लिया गया है, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर स्टेपल्स में भी बहुत बड़ा एलोकेशन लिया गया है। ये देखिए इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन, तो बंधन का अगर आप देखते हैं ना, तो बंधन ने स्मॉल कैप में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि लार्ज कैप और मिड कैप में भी थोड़ा एलोकेशन रखा हुआ है। इंटरेस्टिंग है क्वांट का, स्मॉल कैप में देखिए 65% के आसपास और लार्ज कैप में 30% से भी ज़्यादा का एक्सपोजर है, मिड कैप में एक्सपोजर नहीं लिया है। SBI का भी देखिए इंटरेस्टिंग है, SBI स्मॉल कैप, SBI में पूरा एलोकेशन लिया है, बहुत ज़्यादा एलोकेशन है इनका, और साथ ही मिड कैप में भी थोड़ा एलोकेशन है, लार्ज कैप में इन्होंने एक्सपोजर नहीं लिया है। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, यहाँ क्लियरली आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है। देखिए बंधन स्मॉल कैप, PSU देखिए, REC, PFC, ऑयल इंडिया, और नीचे बहुत सारा PSU यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखिए इन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, इसे हम ओवर डाइवर्सिफाइड बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी भी स्टॉक में ज़्यादा एलोकेशन नहीं लिया हुआ है बंधन ने। यहाँ पे क्वांट का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, तो अंबानी ग्रुप की कंपनीज़ में है, अदानी ग्रुप की कंपनीज़ में है, और साथ ही PSUs में देखिए कितना बड़ा एक्सपोजर है PSUs में, तो उनके हाई रिटर्न का ये बहुत बड़ा रीज़न है, PSUs भरे पड़े हैं यहाँ। यहाँ पर आप SBI का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अलग पोर्टफोलियो है। यहाँ ऊपर देखिए ना, आपको कहीं भी PSU दिख रहा है क्या? बिल्कुल अलग पोर्टफोलियो है और ज़्यादातर हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं, हमने इनका पोर्टफोलियो भी चेक किया था। यहाँ पे एक क्लियर कर दूँ कि देखिए ये जो स्टॉक्स हैं ना, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं ज़्यादातर स्टॉक्स, ऐसा नहीं कि स्टॉक का क्वालिटी ख़राब है, लेकिन हाँ वेरी हाई PE वाले स्टॉक्स हैं, इसलिए यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आया है। अभी हमने स्मॉल कैप फंड्स का जो डिटेल चेक किया है, उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
तो देखिए, अगर आपने एक अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसका अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी है रीसेंट टाइम्स में, तो मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर फंड्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ज़्यादातर फंड्स के अंडर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न जो देखने को आ रहा है वो क्या है कि वहाँ पे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया गया है और वैल्यू स्टॉक्स में या तो नहीं इन्वेस्टमेंट किया गया है या फिर एक्सपोजर कम रखा गया है। और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ स्टॉक सिलेक्शन का भी प्रॉब्लम रहा है। एज अ इन्वेस्टर हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि मार्केट साइक्लिकल है, कभी वैल्यू स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कभी ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा करेंगे। फिलहाल वैल्यू स्टॉक्स का समय चल रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होगा उस समय आप देखेंगे कि ग्रोथ स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो मोस्टली इस साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से आप देखेंगे कि जो अच्छे क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स हैं वहाँ भी परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अच्छे क्वालिटी के फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप अपना पोर्टफोलियो खुद से बना सकें और उसे मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल सैटरडे है, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो एवरी सैटरडे शाम को मैं 8 to 9 PM यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। Thanks a lot for watching.